मैं चाहता हुआ, लेकिन सामने मल्टीपल टीम्स है ग्लोबल स्पोर्ट्स के साथ साथ वहां पर टीम ऑरेंज रॉक स्पोर्ट्स वैक्स जरूर आए हैं, स्लैम इन जरूर करा, बट क्या यहां पर फिनिश ऑफ कर दिया गया? जी हां, यहां पर फिनिश ऑफ कर दिया गया और चार फिनिश आते हुए नजर आए। एंड एज आई सेड कैप्टन, अगर उनके पास कंपाउंड का ओवर है, अगर उनके पास यहां पर नंबर्स का एडवांटेज है तो फायदा तो मिलेगा, चाहे वो कोई सी भी टीम होती फायदा तो उनको मिलेगा और मिल भी रहे यहां पर काफी हद तक। वेल गेम जो हम आशा कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे सोल फैंस आशा कर रहे हैं कि यू नो टीम सोल अपनी पहली चिकन डिनर लेके जाए, लेकिन उनको और भी तीन टीम्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा या फिर लड़ने देना पड़ेगा उनको एक दूसरे के साथ साथ। वेल अक्षत का पोजीशन काफी ज्यादा स्नीकी रहने वाला है, वो बन चुके हैं सैनॉक के यू नो मशहूर खिलाड़ी, अगर मैं कहना चाहूंगा सांप बन चुके हैं वो यहाँ पर। वेल प्रोन्स ट्रांस में खेलना इन सर्कल में कोई गलत बात नहीं है, वो अपने आप को थोड़ा सा स्नीकिंग करने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं अमन एक नॉकआउट निकाल के जाएंगे, लेकिन अमन का यहां पे ट्रेड भी आने वाला है, उसी के साथ साथ यहां पे संभल के रहना पड़ेगा। मॉडल यहां पे बैरल M762 लेके तैयार हो चुके हैं, अक्षत को नॉकआउट किया गया, गैलेक्सी रिसर्च यहां पे अपना हमला दिखाने वाले हैं, एंड अल्ट्रॉन को भी यहां पे एस्टेक की तरफ से नॉकआउट किया जाएगा। अक्षत आए जरूर थे बट वही चीज है, हर खिलाड़ी अगर आप देखें प्रोन होता हुआ आपको नजर आ रहा है, SA12 फाइट ये हमें देखने को मिल रही थी, बट अभी के लिए जो SA12 फाइट है वो टीम सोल के फेवर में जाती हुई नजर आई। छठा फिनिश यहाँ पर उनके नाम रखा हुआ, GXR को मैं देख रहा हूँ काफी देर से वो होल्ड देख रहे हैं वहां पर, स्टिल जस्ट लाइक टीम सोल को जोन फेवर कर रहे हैं, सेम लाइक टीम GXR को भी जोन फेवर करता हुआ काफी देर से हमें देखने को मिला था, बट अभी के लिए 50 प्लस मीटर उनको ट्रेवल यहाँ पर करना पड़ेगा। सामने पहले एस्टेक है, GXR पहले यहाँ पर उनको टेकडाउन करेगी, देन यहाँ पर टीम सोल के अगेंस्ट यहाँ पर फाइट लेने जा सकती है। मैक्स अभी भी पीछे हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, क्या GXR यहाँ पर अपना दूसरा चिकन डिनर लेके आ सकती है या फिर हमें टीम एस्टेक या फिर टीम सोल अपना पहले चिकन डिनर? बहुत ही गाइस बहुत सारे सवाल हमारे माइंडसेट पे स्टक हो रहे हैं, लेकिन उसका जवाब कुछ ही देर में हमें देखने को मिल जाएगा। टीम सोल नंबर स्प्लिट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, लुक एट मॉर्टल्स पोजीशन, लुक एट अमन्स पोजीशन, वो कंपाउंड का कवर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहां पर दो एंड दो का स्प्लिट जो मेंटेन किया जा रहा है सोल के द्वारा, दिस माइट बी द की टू द फर्स्ट मैप विक्ट्री दैट कम्स आउट हियर। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगा कि गैलेक्सी रेसर्स को यहां पे गेट कीप किया जाए, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अमन यहां पे MJ का जो है नॉकआउट निकालने वाले है, 10 प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोज रेंज फाइट यहां पे इंफेक्ट हो चुका है एस्टेक के साथ, गैलेक्सी रेसर्स का एक एक प्लेयर यहां पे जाने वाला है, ग्रेनेड आता है एंड एस्टेक इज सरवाइविंग, इज अ टीम सोल पुटिंग अप दैट चिकन डिनर, एस्टेक के AKOP फाइनल प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं, ग्रेनेड्स कुकिंग किया जा रहा है, द बुलेट्स आर रेनिंग एंड दिस फाइट इट इज टीम सोल पुटिंग अप द फर्स्ट विनर चिकन डिनर ऑफ द स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 3.2 बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया।